बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है गाइज, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आपने फैमिली की अपॉइंटमेंट लेनी है इटली के लिए, यहाँ पे लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट ली हुई है या लीगलाइज हो चुके हैं, तो अब आपने करना क्या है। और इसके बाद हम एक और बात ये करेंगे कि आपको जिन लोगों की फाइल जमा हो चुकी है, मतलब कि वीज़ा फाइल जमा हो चुकी है, उनको कब कितने दिन में रिस्पॉन्स आ रहा है। महीनों की बात नहीं, दिनों में रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा। मेरे सोशल लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्यूरीज रख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके जो सवाल हैं उनकी जवाब दे सकूँ। तो अब हम बात करते हैं, लीगलाइजेशन और अपॉइंटमेंट्स और फैमिली रियूनियन की। पहली बात, अगर तो VFS तो ओपन हो ही नहीं रहा, ठीक है, तकरीबन 5 से 6 मंथ हो चुके हैं, अभी तक वो ओपन नहीं हुआ। उसके बाद अब आप डायरेक्ट एम्बेसी को अप्रोच करते हैं, एम्बेसी को बार बार ईमेल करते हैं, और वो आपको एक ईमेल करती है जिसमें वो बताती है कि भाई मैंने आपका सारा डिटेल जो है वो जारी को भेज दिया, वो आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर देगी। अब इसमें हम सोचते हैं कि हमने उन्होंने भेज दिया, अब वो हमारा डेट एंड टाइम जो है वो ओके कर देंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि एक एप्लीकेंट थे, हमने उनकी अपॉइंटमेंट को कोशिश की अरेंज करने की, तो अभी तक तकरीबन हमें 1 महीना पूरा हो चुका, जेरी एम्बेसी ने डिटेल भेज दी लेकिन जेरी ने अभी तक हमें डेट एंड टाइम नहीं दिया, ठीक है, एक चीज़। सेकेंडली, बाय चांस मिल जाती है, मई चल रहा है, सितंबर की मिल जाती है, अक्टूबर की मिल जाती है, आपका न्योला उस्ताद जून में एक्सपायर हो रहा है, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट जो है बस फाइल जो है वो प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। कुछ भी मांगते हैं ना, आपके पास उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप जाएं जेरी में, जाएं अपनी फाइल को दें, वो चेक करेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे, और उसके बाद वो आपका फाइल 100% एक्सेप्ट कर लेंगे। बेशक वो अक्टूबर की अपॉइंटमेंट हो, मई दिसंबर की अपॉइंटमेंट हो, डजंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे, आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मार्च में हमारी एप्लीकेंट का जो शेड्यूल के मुताबिक न्योला उस्तावस जमा होना था, नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट हमें मई की मिली, मई में हमने फाइल जमा कराई रिसेंटली, और उनकी फाइल जमा होगी, और एक नहीं 5 तकरीबन एप्लीकेंट थे, उन सब के पास जो फाइल थी माशाल्लाह से जमा हो गई, और कोई इशू नहीं हुआ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अपॉइंटमेंट्स कोशिश करें, ईमेल्स करते रहें, आपको अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम मिल जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लीगलाइजेशन के लिए भी इसी तरह आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और फैमिली रियूनियन के लिए, जब तक VFS अपनी लाइन पे नहीं आता तब तक आपको एम्बेसी को ही तंग करना पड़ेगा, मतलब कि एम्बेसी आप लोगों को तंग कर रही है, आप एम्बेसी को तंग करें, इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।